सत श्री अकाल जी। असी ये देखो अज न्यू रेसिपी बना रहे हैं इस मौसम की पहली बार रेसिपी। इनू असी कहने हैं, वैसे दही छोलिया कहने हैं, इनू हरे चने भी कहते हैं, हरे छोले भी कहते हैं। हरे चने ते नाल आलू दी रेसिपी बना रहे हैं जिहड़ी कि बहुत ही टेस्टी बनती है। उहदे लई असी मीडियम साइज चार प्याज कट लेने छोटे छोटे, दो तो तीन टमाटर जैसी प्यूरी बना ली है, देन धनिया ने हरा धनिया, लहसुन अदरक का ही पेस्ट खुद बना लिया, नाल हैगा साढ़े कोल है हरी मिर्च जिन्होंने हम मेरा ही इस करके कुट रहे हैं क्योंकि बच्चे किसी के मुँह च नहीं आए, ये रल जाए सारे। तो असी हूँ हरे चने जिन्हें के जिन्हों के कहें छोलिया दी सब्जी तैयार कर रहे हैं। हमेशा असी एक्चुअली इनू मतलब कढ़िया कढ़ाया कदी नहीं लेंदे, एक खुद दो गुच्छियां लीतियां सी तो उन्हां गुच्छियां तो ही खुद आप कढ़े घर क्योंकि वह फ्रैश हुंदा है, जिहड़ा पहलां कितों चॉप तो लिता जांदा है वह कई बार बया भी हुंदा मतलब पुराना हुंदा है। तो हुण असीं सब्जी तैयार कर रहे हैं, इनू ही प्रैशर कुकर च बनावांगे। हुण असीं गैस ऑन कर रहे हैं, गैस ऑन करके ही प्रैशर कुकर रखता है, मस्टर्ड ऑयल से ही बनावांगे। तो देखो जो सारा समान तुम पहले दस चुकी हाँ जो ही यूज करना है, हरे चने जाने लग के जाके जिन्होंने से छोलिया भी कहें वो बनाने वास्ते वॉश हो गया से। हम ही अप्रोक्सीमेट 1.5 कड़छी मस्टर्ड ऑयल पाता है, हम वेट करेंगे असी तेन गर्म होने दी, एंड थोड़े जैसे जवैन थे जीरा कट लिया। दो जी देखो धुआं निकल आ पे, असी हम आलमोस्ट मैं बंद कर देनी है कि सा मसाला सड़े नहीं क्योंकि सुखा मसाला होंगे सड़ना नहीं चाहिए। लो जी सब तो पहला फिर पाता नाले से प्याज पाता, गैस ऑन कर लिया, हम अभी प्याज भी भुना जो भुन के मसाले का भुन जाता टेस्ट होंगे वो होर ही होंगे क्योंकि जिन्ना ही प्याज मसाला जो भुन दिया ना वह सब्जी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो बहुत ही टेस्टी बनती है। हम अभी अदरक लहसुन का पेस्ट मसाला जी सब्जी का अंकल अच्छी प्याज नाल आते हैं ना करके नाल नाल लग रहा होगा तुम भी। और हरा छोलिया बहुत अच्छा होंगे, वैसे भी ग्रीन वेजिटेबल्स कोई भी हो सो मैनी बेनिफिट्स फॉर अवर हेल्थ, जैसे कि मैं चाहनी हूँ कि तुम जरूर बनाओ, मेरा टेस्ट ही बहुत बनता है। जो नॉन वेज खाते हैं वो मेरे टेस्ट करने के फिर उन्होंने भी भूल जाएगा वो भुज रहे हैं जी। हजे गैस की फ्लेम सू हाई टू मीडियम ही रखनी है और हिलाते जरूर रहना कि ना ना लगे, बहुत जरूरी है। तो जी हमारा कलर चेंज हो गया मसाले का, हम अभी ये पावे टमाटर की प्यूरी लिए तैयार की। थोड़ा जो सब भुजेगा तो फिर अभी सुके मसाले पा देंगे। क्योंकि जिन्ना मसाला भुजता है ना सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। और अभी जो तीन सब्जी जो बनेगी ना सब अपनी उंगलियां चटते रह जाएंगे।
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੋ ਗੈਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੂਜਾ ਜਲਦੀ ਔਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੈਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸਲੋ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਲਈਏ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਦੂਜਾ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰੀਮ ਹਲਦੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਲਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਧਨੀਆ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਭੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ ਆਈ ਆਂਚ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਭੁੱਜੇਗਾ ਮਸਾਲਾ ਸਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਹਰੇ ਚਨੇ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਫਾਈਬਰ ਡਾਇਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਹਰਾ ਮਸਾਲਾ ਆਲਮੋਸਟ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕਰਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਲੂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਲੂ ਪਾਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਰਨ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਹੀ ਭੁੰਨ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਚ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਆਲੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਚਾਲੂ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਭੁੰਨਦਾ ਰੜੀ ਭੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਹਰੇ ਚਨੇ ਹਰਾ ਛੋਲੀਆ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੱਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਫੁਲਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਐਂ ਕਿਆ ਟੇਸਟ ਆਏ ਜੋ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਜਦੋਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ
लो जी आया मजा परी का कलर देख के। लो जी असि हम इन बंद कर लगे जी बंद करता असि हम जरूर प्रेशर बजेगा सीटी जी टाइम नोट करा। लो जी साढ़े आलू छोले तैयार हो गए देखो एन इंज लगता है जिमें कोई नॉन वेज सब्जी है ना वो भी किस परा कर दी है मतलब इन्नी टेस्टी बनी है। तो गर्म गर्म चपाती नाल हरी मिर्च का अचार नज़ारा लो। आओ तो मेरे नारे चैनल नु सबसक्राइब कर दो बहुत जरूरत आ लाइक करो शेयर करो एंड थैंक यू।